आखिर तेजस्वी क्यों कर रही है करण को अवॉइड? खुद तेजस्वी ने किया है बड़ा खुलासा। आखिर ये कौन से है इसके पीछे की वजह जिसके चलते तेजस्वी और करण एक साथ ज़्यादा स्पॉट नहीं हो रहे हैं आजकल और एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी बना के रख रहे हैं मीडिया के सामने आने से, तो आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? चलिए आपको बताते हैं क्या है तेजस्वी की ज़बानी। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करने को। वेल, बिग बॉस सीजन 15 में ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले। वेल, इसके पहले भी दोनों ने एक शो में काम किया था, बट एज सच दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, ना ही दोस्त थे। बिग बॉस के घर में एक दूसरे से प्रॉपरली ऑफिशियली मिले, एक दूसरे के साथ करीब आए, एक दूसरे के करीब आए। उनका प्यार जो है परवाना चढ़ता हुआ बिग बॉस में सभी लोगों ने देखा, और नाउ ऑल्सो दे आर गोइंग सुपर स्ट्रॉन्ग। बहुत जल्द उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट करने वाले हैं, और तेजस्वी करण तेजन को फैंस बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन तेजस्वी और करण एक दूसरे के साथ अब ज़्यादा स्पॉट होते नहीं हैं, एक दूसरे से काइंड ऑफ दूरी भी बना के रखते हैं मीडिया में आने के लिए। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कह रही है तेजस्वी, आपको बताते हैं। तेजस्वी और करण जो है वो चाहते हैं कि लोगों को लगता है कि ये दोनों आखिर किस बात से डर रहे हैं, क्या नज़र लगेगी इन्हें, इस बात से डर रहे हैं क्योंकि दोनों का विश्वास है नज़र में, नज़र लग सकती है। तो क्या ये वजह है या कोई और वजह है, क्या इनके बीच कोई दूरी आ रही है? ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में है, लेकिन तेजस्वी ने अब इन सारी चीज़ों के ऊपर एक चुप्पी लगा दी है और उन्होंने बताया है कि आखिर वो क्यों करण को अवॉर्ड कर रही है। उनका कहना उनके रीसेंट इंटरव्यू में ये था कि तेजन को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है लोगों से, और इतना मिला है कि अब मुझे काइंड ऑफ थोड़ा डर भी लगता है, मैं नहीं चाहती कि लोग जो है हमें एज सीरियस एक्टर्स ना देखें और हमें सिर्फ एक कपल की तरह देखें, दैट इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट, क्योंकि हम दोनों सिर्फ एक कपल नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ प्यार ही नहीं करते बल्कि सीरियस एक्टर्स भी है और अपने काम को लेकर काफ़ी पैशनेट है और हमारे काम को काफ़ी पसंद करते हैं। सो दिस इज़ वाई अ लॉट ऑफ टाइम्स हम एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, क्योंकि लोग फिर हमें सिर्फ एज अ कपल देखते हैं, हमारे काम हमारे प्रोजेक्ट को लेकर नहीं देखते, एंड वी वॉन्ट कि लोग हमें एज एक्टर्स भी देखें। और इसी के साथ तेजस्वी ने यह भी कहा है कि करण की वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे चेंजेस आए हैं और वो अपने करियर को देखने का उनका एक नज़रिया जो है करण के वजह से ही बदला है। करण ने उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है और उनका अप्रोच जो अलग अप्रोच है काम करने का, वो अप्रोच अब एक गट्सी अप्रोच वो मुझे भी उन्होंने सिखाया है। सो यस, मैं कहीं ना कहीं करण से इंस्पायर हुई हूँ, एंड एज एक्टर्स हम ग्रो कर रहे हैं, एज आर्टिस्ट वी आर ग्रोइंग, एंड कहीं ना कहीं ही इज़ बींग वेरी सपोर्टिव ऑफ मी, एंड हम नहीं चाहते कि लोग हमें सिर्फ एज अ कपल देखे बल्कि एज एक्टर्स भी देखे, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादातर मीडिया में आजकल दिखना अवॉइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिख रहे, पर येस थोड़ा कम कर दिया है इन्होंने, और इसके पीछे की यह है वजह। क्या है आपको इस पर कहना, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आई एम गोइंग टू सी यू सून।